बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को जब भी लोग उनके पति जय मेहता के साथ देखते हैं, तो अक्सर लोग जूही को ट्रोल करने से चूकते नहीं हैं। कोई जूही को पैसों की लालची कहता है, तो कोई कहता है कि इसने बूढ़े से क्या सोच कर शादी कर ली। वेल, आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको जूही और जय की प्रेम कहानी सुनाने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों जूही चावला ने खुद से 7 साल बड़े जय मेहता से शादी की, वो जय मेहता जो पहले से शादीशुदा थे। चलिए आपको सुनाते हैं जूही और जय की प्रेम कहानी। असल में जूही चावला राकेश रोशन की फिल्म कारोबार की शूटिंग कर रही थी। राकेश रोशन और जय मेहता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। डायरेक्टर राकेश रोशन ने ही जूही और जय को मिलवाया था। अक्सर जय मेहता सेट पर राकेश रोशन से मिलने आया करते थे। जब जय मेहता की मुलाकात राकेश से होती थी, तब वो कारोबार मूवी की कास्ट से भी मिलते थे। उसी दौरान जय की मुलाकात जूही से भी हुई थी, लेकिन तब जय मेहता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जय मेहता की शादी बिरला परिवार में हुई थी। जी हां, जय मेहता की पहली पत्नी सुजाता बिरला थी। जय पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब बेंगलुरु प्लेन क्रैश में उनकी पत्नी की जान चली गई। जी हां, एक प्लेन क्रैश में सुजाता बिरला का निधन हो गया था, जिसके बाद जय के लिए संभल पाना बेहद मुश्किल हो गया। जय को तब एक दोस्त होने के नाते जूही चावला ने संभाला। जूही जय के साथ डटी रही, उन्होंने कभी किसी और चीज की परवाह नहीं की। उस वक्त सिर्फ जय को सदमे से बाहर लाना यही जूही का मकसद बन चुका था। जूही की परवाह, जूही का प्यार देखकर जय तो जूही को दिल दे ही बैठे थे, लेकिन जूही चावला इस रिश्ते को जोड़ने में हिचकिचाती थी। उन्होंने जय को हमेशा एक दोस्त की नजर से ही देखा था। जैसे तैसे जय ने जूही को अपने दिल की बात समझाई और दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य देखने लगे, लेकिन दोनों की जिंदगी में दर्द का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जब दोनों अपनी शादी के बारे में सोच ही रहे थे, तो जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया। एक एक्सीडेंट में जूही की माँ की जान चली गई। इस बार जूही चावला बिखर गई थी और जय की बारी थी कि वो जूही को संभाले। जय और जूही एक साथ इस गम से बाहर भी निकले और फिर 1995 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की जिंदगी में कुछ साल खुशियों भरे आए, मगर अब भी इनकी जिंदगी से गम गए नहीं थे। असल में बेटे के जन्म से पहले 2002 में जूही चावला ने अपनी बहन सोनिया को खो दिया था। जूही की बहन कैंसर से जंग लड़ रही थी, तब भी जय ही जूही का सहारा बने। जय ने जूही को जैसे तैसे संभाला, लेकिन फिर साल 2010 में जूही के भाई को स्ट्रोक आ गया और 2014 में जूही के भाई का निधन हो गया। 2014 में जूही के भाई ये दुनिया छोड़कर चले गए। जी हाँ, एक के बाद एक जूही के परिवार वाले इस दुनिया को छोड़ रहे थे और जय मेहता जूही और दुखों के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हुए थे। ना तो वो अपनी पत्नी को गिरने देते थे, ना ही उन्हें बिखरने देते थे। और कहते हैं ना कि दर्द की बुनियाद पर बना रिश्ता सबसे ज्यादा गहरा होता है, इसीलिए जूही और जय का रिश्ता भी ऐसा ही है, बेहद गहरा। इन्होंने एक दूसरे को सहारा तब दिया जब इन दोनों को सहारे की जरूरत थी। अब बताइए कि जब कोई हर दुख की घड़ी में आपका साथ दे, जब कोई आपके आंसुओं को अपने आंसू माने, जब कोई आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, क्या आप उसका रंग रूप देखेंगे? वेल, हमें लगता है कि जूही ने बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल ठीक किया उस इंसान का हाथ थामकर जिसने उन्हें दुख की घड़ी में थामा। रही बात ट्रोल करने वालों की, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।